नमस्कार, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं इस तरफ पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा कर रहे हैं। हिंदू आस्था को अपमानित कर रही है टीएमसी। यहां की मुख्यमंत्री के ताजा बयान से बंगाल ही नहीं पूरे देश और पूरी दुनिया में मानवता प्रेमी समाज बहुत गुस्से में है। आप याद कीजिए, टीएमसी के एक एमएलए ने कहा था कि हिंदुओं को भगीरथी में बहा देंगे। संतों ने ऐसी राजनीति न करने की सलाह टीएमसी के नेताओं को दी और इससे यहां के मुख्यमंत्री भड़की और मुख्यमंत्री ने सारी हदें पार कर दी है। मुख्यमंत्री ने रामकृष्ण मिशन, इस्कॉन और भारत सेवाश्रम संघ पर बद्दे बद्दे आरोप लगाए हैं, संत समाज का अपमान किया है। साथियों, ये हिंदुओं को मिटाने की बात करने वाले एमएलए को एक शब्द भी कहने को तैयार नहीं, लेकिन संदेश खाली के गुनहगार शाहजहां को बचाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। ये लोग राम का नाम लेने वालों को गालियां देंगे, ये लोग रामनवमी मनाने नहीं देंगे और मोदी के खिलाफ वोट जिहाद की अपील करेंगे। यही टीएमसी और इंडी गठबंधन वालों की सच्चाई है। वोट बैंक के सामने घुटने टेकने वाली ऐसी टीएमसी सरकार आपका एक वोट भी पाने की हकदार नहीं है। साथियों, टीएमसी के तुष्टीकरण ने बंगाल में डेमोग्राफी को डामाडोल कर दिया है, समाज व्यवस्था को पूरी तरह छिन्न विच्छिन्न कर दिया है। टीएमसी देश के दूसरे राज्य वालों को बाहरी बताती है, लेकिन अवैध घुसपैठिए इनको अपने लगते हैं। आप मुझे बताइए, बंगाल को घुसपैठियों से खतरा है कि नहीं है? खतरा है कि नहीं है? घुसपैठिए बंगाल के लिए बहुत बड़ा खतरा है। एक घुसपैठिए बंगाल में जनसंख्या संतुलन बिगाड़ रहे हैं। कई इलाकों में हिंदू
अल्पसंख्यक हो गए, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की जमीनों पर घुसपैठिए कब्जा कर रहे हैं, हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है। भाइयों और बहनों, बंगाल के जन जन को इसका जवाब लेने का समय आ गया है, लेकिन टीएमसी सरकार आंख बंद करके सत्ता भोगने में पड़ी हुई है। आपको पता है ना, घुसपैठियों का फर्जी राशन कार्ड और आधार कार्ड कौन बनाता है? कौन बनाता है? टीएमसी सरकार बनवाती है कि नहीं बनवाती है? एक घुसपैठिए आपके लिए भले ही आफत है, भले ही ये बंगाल के लिए संकट है, लेकिन टीएमसी के लिए ये वोट बैंक है। जहां जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं, जहां जहां घुसपैठियों के वोट बढ़ गए हैं, टीएमसी उन्हें अपनी सुरक्षित सीट मानती है। इसलिए टीएमसी बंगाल की पहचान मिटाने का एक खतरनाक खेल खेल रही है। टीएमसी की प्लानिंग है घुसपैठियों को न्योता और बंगाल के लोगों से नफरत। इन्होंने बंगाल की कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट कर दी है।